बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु आज रियो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिला सकती हैं। फाइनल में आज सिंधु का मुकाबला दुनिया की नंबर वन स्पेन की कैरोलिना मारिन से है। सेमीफाइनल में सिंधु का खेल तूफानी रहा और अब यही आक्रामक अंदाज सिंधु को सोना दिलाएगा। रियो सेंट्रल पवेलियन नंबर 4 में जब पीवी सिंधु 125 करोड़ भारतीयों की दुआओं के साथ एकल बैडमिंटन सेमीफाइनल में उतरी तो उनके सामने थी दुनिया की छठी वरीयता प्राप्त जापानी खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा। पहले सेट को सिंधु बमुश्किल अपने नाम कर पाईं, लेकिन दूसरे सेट के दूसरे हाफ में मुकाबला लगभग सिंधु के हाथ आ चुका था। अब पीवी सिंधु का आत्मविश्वास उनके खेल में झलक रहा था। अंततः सिंधु ने दूसरे सेट को आसानी से न सिर्फ अपने नाम किया बल्कि 21-19, 21-10 से मैच जीतकर स्वर्ण पदक के लिए अपना रास्ता आसान कर लिया। रक्षाबंधन की सुबह की शुरुआत जहां साक्षी मलिक के कुश्ती में कांस्य पदक के साथ हुई थी, जिसके बाद रियो ओलंपिक में पिछले 12 दिनों से पदकों का सूखा खत्म हुआ था, वहीं देर शाम सिंधु ने ओलंपिक इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने की आस को बढ़ा दिया है। 21 वर्षीय पुसरला वेंकट सिंधु अर्थात पीवी सिंधु भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची हैं। सिंधु का रजत पदक पक्का होने के बाद देश गोल्ड पर नजर टिकाए बैठा है। देखते रहिए डीवी लाइव।